धर्म के सबसे बड़े त्योहारों में से एक ईद मिलादुन नबी मनाने की तैयारी हुई तेज। 9 अक्टूबर इतवार को रीवा शहर में निकाला जाएगा जुलूस। पूरी दुनिया का मुसलमान हजरत मोहम्मद के जन्म दिन को ईद मिलादुन नबी के रूप में मनाता है। ईद मिलादुन नबी 9 अक्टूबर को सुबह 10 बजे शहर में निकाला जाएगा जुलूस। त्योहार मनाने की तैयारी हुई तेज। हर साल की तरह इस साल भी मुस्लिम समाज के लोग इस्लाम धर्म के पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन धूमधाम से मनाने की तैयारी में जुट गए हैं। हम आपको बता दें, मुस्लिम धर्म में 3 ईदें मनाई जाती हैं। ईद 3 तरीके की होती है। ईद मिलादुन नबी उसमें से एक है। रीवा के अंजुमन इस्लामिया स्कूल में आज से 40 साल पहले जुलूस का आगाज हुआ था। यहीं से पहली बार जुलूस निकाला गया था। उसी जगह पर आज पत्रकार वार्ता करके पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा की जानकारी पत्रकारों को दी गई। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आबरी मुबारक पर हम अहले वतन को मुबारकबाद देते हैं और आप सबके माध्यम से और विचार से जो ये पर्व है, इस पर्व को एक आपसी भाईचारे के साथ मनाने की जरूरत की, इसीलिए पत्रकार वार्ता का ध्यान रखा गया। अंजुमन इस्लामिया कमेटी के प्रबंधक जो अध्यक्ष हैं, उन्हें संयोजक बनाया गया। उन्हीं के संचालन पर शहर के सारे वरिष्ठ लोग संचालन समिति के सदस्य होंगे और बिल्कुल सब लोग एक साथ होकर इस पर्व को मनाएंगे। अब इसके विषय में हमारे संयोजक महोदय से प्रपूर रीवा शहर में वक्फ अंजुमन इस्लामिया स्कूल के पूर्व सदर लाल मोहम्मद साहब ने ईद मिलादुन नबी की जश्न की परंपरा इसी अंजुमन इस्लामिया स्कूल से स्कूल के विद्यार्थियों को लेकर के एक जुलूस का प्रारंभ किया था। वो जुलूस सिर्फ मुख्तसर मोहल्ले के कुछ गलियों में निकला। इस तरीके से धीरे धीरे फिर जुलूस का बृहद रूप जो अब आपके सामने है और जुलूस की जो गैदरिंग का वो है, गोगर वक्फ अंजुमन इस्लामिया स्कूल में सुबह बाद नमाज फजर कुरान खानी और 10 बजे से जो यहाँ फातिहा खानी के बाद मासूम मिल्लत कमेटी के द्वारा खाने काबा का टुकड़ा जो यहीं पे बगल में बन रहा, उसको जुलूस में शामिल हो करके जुलूस यहाँ से रवाना होगा। मस्जिद रिसालदार की में फातिहा खानी का आयोजन होगा, वहाँ से भी इस्लामी टुकड़े शामिल होंगे। हमीदिया कॉलोनी जगह से एक जुलूस चलेगा जो जय स्तंभ होते हुए बड़ी पुल से होकर के रिसालदार मस्जिद में शामिल होगा। मुख्य जुलूस होगा।